गाइस यार देखो फ्री फायर में बहुत टाइम से यार पता नहीं क्या क्या चल रहा है। अब हमारा फ्री फायर पुराना वाला फ्री फायर तो बिल्कुल भी नहीं रहा। गाइस यार एक टाइम था जब हम लोग सुबह सुबह उठते थे और भाई छुट्टी के दिन फ्री फायर खेलते थे भाई पूरे पूरे दिन। भाई मैं तो 12-12 घंटे फ्री फायर को खेल लेता था। बट आज के टाइम पे तो यार फ्री फायर को 1-2 घंटा खेलने के बाद यार बोरियत आ जाती है। पहले यार हमारे बहुत सारे भाई लोग जो है गेम में ऑनलाइन आते थे, हम लोग नए नए फ्रेंड्स बनाते थे यार। आज के टाइम पर भाई हम लोग कभी खेलने के लिए भी आते हैं तो हमें अकेला ही खेलना पड़ता, भाई कोई भी ऑनलाइन नहीं आता यार। पुराना फ्री फायर मेरे को बहुत ज्यादा याद आता है। लेकिन यार ऐसा क्या हुआ कि यार फ्री फायर एकदम से बहुत ज्यादा चेंज हो गया, मतलब फ्री फायर एक तरीके से डेड ही होते जा रहा भाई, कुछ भी नहीं बचा फ्री फायर में। आज के टाइम पे आप लोग देखोगे कि तो भाई बहुत सारे प्लेयर्स जो है फ्री फायर को छोड़ते जा रहे हैं और भाई बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने फ्री फायर को छोड़ दिया। एक टाइम पे भाई फ्री फायर के यूट्यूबर्स के बहुत ज्यादा व्यूज आते थे भाई, हर छोटा यूट्यूबर भाई उनके तो मिलियंस में व्यूज आने लगे थे। लेकिन यार आज के टाइम पर आप लोग बड़े बड़े यूट्यूबर जैसे टोटल गेमिंग को भी देखोगे तो भी भाई बहुत मुश्किल से 1 मिलियन व्यूज आ पाते हैं उनके। भाई कसम से यार फ्री फायर जो है ना आज के टाइम पे बहुत ही ज्यादा अजीब सा हो चुका है, जैसे यार बहुत सारे बंदे जो है खेलना पसंद नहीं करते हैं। इसके आपको वो दिन याद है कि यार जब आपके दोस्त का फोन आता था और आप लोग बोलते थे कि भाई फ्री फायर खेलने के लिए चल रहे हैं, पूरा स्क्वाड बना के भाई सुबह से शाम तक रैंक पुश करते थे और भाई अलग ही मजा आता था फ्री फायर को खेलने में। देखो यार फ्री फायर के डाउनफॉल होने का कारण सबसे बड़ा भाई गरीना ही है, ठीक है। पहली बात तो भाई गरीना ने खुद को टाइम के साथ इवॉल्व नहीं करा और भाई दूसरी बात फ्री फायर को ना एकदम अनरियलिस्टिक बनाते चले गए भाई, जहां पर दूसरे गेम्स जैसे BGMI हो गया, COD हो गया भाई अपने ग्राफिक्स को इंप्रूव करते गए और भाई बहुत सारी नई नई चीजें ऐड करते गए। नई चीजें ऐड करने का मतलब ये जादू वाले कैरेक्टर ऐड करने से नहीं है भाई, वो लोग गेम को रियलिस्टिक बनाने में लगे हुए हैं भाई। पर फ्री फायर जो अपने गेम में अब बिल्कुल बेकार वाली चीजें लेके आता रहा है भाई, ऐसे करेक्टर्स कहां हो सकते हैं, आप लोग खुद दिमाग लगाओ भाई, कहीं पे टेलीपोर्ट हो रहा है और भी बहुत सारे उल्टे सीधे करेक्टर भाई, कोई फ्लैश बन जा रहा है इतनी तेज स्पीड में भाग रहा है भाई। ये अनफेयर चीज जो फ्री फायर लेके आया ना इसकी वजह से भाई बहुत ज्यादा जो है इफेक्ट पड़ा है गेम के ऊपर भाई। एक टाइम था जब कोई भी बंदा टॉप अप नहीं करता था लेकिन यार बहुत सारे बंदे फ्री फायर को खेलते थे क्योंकि यार गेम में ना एक रेयरिटी बनी हुई थी। फ्री फायर ने भाई सबसे पहले तो रेयरिटी को ही खत्म कर दिया, सारे के सारे जो रेयर बंडल थे चाहे भाई वो एलाइट पास हो, रेड क्रिमिनल हो, कुछ भी हो भाई, जितनी की सारी गन स्किन थी सबको रिटर्न दे दे के भाई फ्री फायर ने बेकार कर दिया। गाइस आपको विश्वास नहीं होगा कि यार फ्री फायर में जो ड्रैको एक है वो 5 से 6 बार तो भाई रिटर्न आ चुकी है। बट यार और गेम्स की अगर मैं बात करूं जैसे BGMI या COD, अगर उसमें कोई रेयर चीज है जैसे उसमें कुछ बंडल होता है भाई ब्लू रेवन करके, भाई वो एक बार भी रिटर्न नहीं आया, ठीक है। और भाई अगर रिटर्न नहीं आएगा तो ही तो उसकी रेयरिटी रहेगी। अब देखो यार फ्री फायर की जो मोस्ट ऑफ द ऑडियंस थी वो भाई बच्चे लोग थे, ठीक है। अब यार बच्चे लोग बड़े होकर समझदार हो गए, उन्हें पता चल गया भाई फ्री फायर जो है एक अनरियलिस्टिक गेम है। और भाई फ्री फायर ना देखो पहले पे टू विन गेम था, यहाँ पर जिसके पास गन स्किन थी भाई वही जीतता था, ठीक है। और अभी भी ऐसा ही है, आपके पास गन स्किन है, आपके पास अच्छे ट्रिब्यूट वाली गन स्किन है ना, आप लोग कोई भी भाई कस्टम रूम हो भाई कोई भी रैंक मैच हो उसको इजीली जीत सकते हो। इसमें स्किल्स के साथ भाई स्किन भी मैटर करती है। और यार यही वही पॉइंट है जहाँ पर यार बहुत सारे जो भाई लोग टॉप अप नहीं करते हैं उन लोगों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता होगा कि भाई हमारे पास गन स्किन नहीं है और दूसरे वाले के पास गन स्किन है इसलिए वो हमें मार जाता है भाई। इसी वजह से बहुत सारे फ्री फायर प्लेयर ने फ्री फायर को छोड़ दिया था। फ्री फायर को ना बहुत पहले से इस चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए था। देखो यार फ्री फायर ने जब फ्री फायर को इंडिया में लॉन्च करा था 2017 में तो भाई फ्री फायर जो था बहुत लो एंड डिवाइस में चलने वाला गेम था, मतलब 1GB 2GB रैम में बहुत ही अच्छा चलता था। लेकिन यार फ्री फायर 2020 के बाद भाई 1GB 2GB रैम में तो छोड़ो 4GB रैम में भी लैग करने लगा। यार फ्री फायर ने अपडेट्स तो दिए लेकिन अपने रिफ्लेक्सेस पे बिल्कुल भी काम नहीं किया। फ्री फायर आए दिन हमें ओबी अपडेट्स देते रहता है लेकिन यार फ्री फायर अपने ओबी अपडेट्स में कुछ भी काम नहीं करता, ठीक है। लॉबी को चेंज कर देना ही भाई ओबी अपडेट्स का काम नहीं होता है। फ्री फायर से आज तक अपने बग्स जो है उनको ठीक नहीं करा गया है भाई, एक बग को ठीक करते हैं तो दूसरा बग आ जाता है। आप ऐसा देख सकते हो कि इस वाले ओबी अपडेट में भाई पिंक का इशू आ रहा है, पिछले वाले में भाई लैग का इशू था जो कि यार कभी कमी नहीं होता, ठीक है। लास्ट मैप में आप लोग देखना जब भी बहुत सारे बंदे बच जाते हैं यार फ्री फायर जो है लैग करने लग जाता है। यहाँ पर देखो गरीना को बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है भाई फ्री फायर के ऊपर, क्योंकि यार देखो फ्री फायर के बंदों को पुराना फ्री फायर चाहिए, से मतलब ये नहीं है कि भाई पुराना ओल्ड ग्राफिक वाला फ्री फायर ला दो, उससे मतलब है कि भाई ऐसी चीज भाई देखो कि मतलब बहुत कम आइटम्स दो और जो चीज दे रहे हो भाई वो रेयर हो, ठीक है। सारे ग्लिचेस वगैरह खत्म कर दो, बहुत सारे मोड्स हम लोगों को नहीं चाहिए, हम लोगों को बस अपना नॉर्मल अच्छा सा फ्री फायर चाहिए, ठीक है। और भाई अगर गरीना चीज के ऊपर काम नहीं करता ना तो यार फ्री फायर देखो इंडिया में करियर अपना खत्म करने वाला है भाई। मुझे तो नहीं लगता कि यार फ्री फायर अब बहुत ज्यादा सर्वाइव कर पाए, क्योंकि यार आप लोग खुद देख सकते हो भाई बहुत सारे प्लेयर एक साथ फ्री फायर को छोड़ रहे हैं। प्लेयर्स तो छोड़ो भाई, यूट्यूबर्स तक क्वाइट कर रहे हैं, ठीक है। जिन लोगों की वजह से भाई फ्री फायर इंडिया में प्रमोट हुआ था वही लोग भाई बहुत सारे दूसरे गेम्स की ओर जा रहे हैं। और भाई मैं खुद सोच रहा था यार एक टाइम पे फ्री फायर को छोड़कर कोई और गेम खेलने की, बट यार लेटली ही सही, लेकिन फ्री फायर अब थोड़े से स्टेप्स हमारे लिए लेके आ रहा है भाई। फ्री फायर ने जो है बहुत सारे आइटम्स को चाहे इमोट हो, गन स्किन हो और बहुत सारी चीजें जो है उनको फ्री कर दिया है, ठीक है। अब वो हमें रेगुलरली बहुत सारी आइटम्स फ्री में दे रहा है, बट यार अभी बहुत सारी मिस्टेक्स जो है फ्री फायर कर रहा है। लेकिन यार उसने जो भी स्टेप्स लिए ना बहुत ज्यादा लेट लिए हैं, अगर यही स्टेप्स कुछ फ्री फायर पहले से लेके चलता ना तो भाई ऐसी नौबत नहीं आती कि भाई बहुत कम बंदे फ्री फायर को खेल रहे हैं। बाकी यार फ्री फायर को मैं तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहता, अगर फ्री फायर ऐसे ही रहा तो शायद छोड़ना पड़ जाए। और आप लोग प्लीज मेरे को कमेंट करके बताना कि क्या आप लोग मेरी बात से बिल्कुल राजी हो, सहमत हो या नहीं हो, ठीक है। बाकी अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, चल मैंने तो सब्सक्राइब कर देना और भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक फॉर वॉचिंग इट गाइज़।